फ्रेंड्स, टेस्ट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल चमचम की रेसिपी, और आज हम चमचम सूजी से बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इजी सी और क्विक रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी की चमचम बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल सूजी ली है और इसी का हमने 1.5 बॉल दूध लिया है। 3 टेबलस्पून हम नारियल का बुरादा लेंगे, 2 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर लेंगे, 2 टेबलस्पून हम पाउडर शुगर लेंगे, 1 टीस्पून हम देसी घी लेंगे, 2 इलायची लेंगे और 1 टीस्पून हम इलायची पाउडर लेंगे, और स्टफिंग के लिए हम थोड़ा सा गुलुकन लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 बॉल शुगर ली है और इसी का 1.5 बॉल हम पानी लेंगे। सबसे पहले हम सूजी को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर ली है हमने यहाँ पे, तो अब हम इसमें घी ऐड करेंगे और घी को भी मेल्ट होने देंगे हम। ये घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम लो करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो, इसे सिर्फ हल्का हल्का ही हम रोस्ट करेंगे। ये सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध पहले हम थोड़ा आधा ही डालेंगे और फिर उसके बाद हम आधा डालेंगे। अब बाकी बचा दूध भी हम ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम करके इसे लगातार चलाते रहेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, तो इसे आप लगातार चलाते रहें ताकि जो हमारी सूजी है वो पैन में चिपके नहीं। और यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम मीडियम रख के ही इसे लगातार चलाते रहना है। वैसे हमें लगातार चलाते हुए एक डो का फॉर्म देना है। ये सूजी हमारी अब ठीक होने लगी है, तो इसे हम आटे का रूप देंगे, तो इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। ये सूजी हमारी एक जगह अब इकट्ठी होने लग गई है और इसने डो का फॉर्म भी ले लिया है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है, तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ गैस ऑन कर ली है, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, 1.5 बॉल पानी ऐड करेंगे, 1 गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे पका लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक जो हमारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और इसे आप लगातार चलाते रहें जब तक हमारी शुगर जो है वो मेल्ट ना हो जाए। ये हमारी शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। और अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक हम और पका लेंगे। हमें यहाँ ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, यहाँ पे हमें पतली चाशनी ही रखनी है चमचम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें 4 से 5 मिनट हो चुका है चाशनी को पकाते हुए, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। ये सूजी हमारी हल्की ठंडी हो चुकी है, तो हाथों में हम घी से ग्रीस कर लेंगे, वैसे हाथों से मसल के इसका एक चिकना आटा गूंद लेंगे हम। इसे अच्छे से गूंद लेंगे हम ताकि अच्छे से हमारी जो सूजी है वो चिकनी हो जाए। इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट तक मस लेंगे। ये सूजी हमारी अच्छी चिकनी हो चुकी है, तो अब हम इसमें नारियल बुरादा ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक चिकना आटा तैयार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसका हमने एक चिकना आटा तैयार कर लिया है, तो हम चमचम बनाने के लिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और आटा ले लेंगे जितनी बड़ी चमचम हमको बनानी है, और इसे हाथों में इस तरह से रोल कर लेंगे पेड़े शेप का, और इसे हाथों से प्रेस करके हम इसमें गुलुकन ऐड करेंगे स्टफिंग के लिए।
और इस तरह से इसे हम पैक करके रोल कर लेंगे सिलेंड्रिकल शेप में। बहुत ही आसानी से ये मिठाई बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप मोटी पतली जैसे आपको शेप देना वैसे दे सकते हो। तो इसी तरीके से हम सारे सिलेंड्रिकल शेप में चमचम तैयार कर लेंगे। ये सारे चमचम हमने बना लिए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन्हें बनाते वक्त कि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे। और अब हम इन चमचम को चाशनी में डालेंगे। तो हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है और चाशनी को गर्म कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो करके इसमें चमचम ऐड करेंगे। ये सारी चमचम हमने चाशनी में ऐड कर दी है, तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में रख के इसे 1 मिनट तक ढक के पका लेंगे। अब 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और सारी चमचम को चम्मच से हम पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी शुगर सिरप इसके अंदर अच्छे से चले जाए। वैसे 1 मिनट और पका लेंगे हम इसी सिरप में। अब 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी चाशनी में ही हम चमचम को ठंडी होने देंगे और ठंडी होने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये चमचम हमारी ठंडी हो चुकी है, तो चम्मच से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत सावधानी से निकालें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें रसा बहुत अच्छे से भर चुका है। तो इसे हम नारियल के बुरादे से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी सूजी की चमचम। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और इसी तरीके से हम सारी चमचम को कोट कर लेंगे नारियल के बुरादे से। ये हमारी सूजी की चमचम अब रेडी हो चुकी है, तो आप भी इस होली के त्यौहार में इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।